संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में ट्रिपल तलाक समेत कई अहम बिल पास होने की उम्मीद सरकार लगाए हुए है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई। राष्ट्रपति ने विकास पर सरकार का संकल्प पेश किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर भी सहमति की बात कही। बार बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो पड़ता ही है, इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के लिए नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र में ट्रिपल तलाक बिल के पास होने की उम्मीद भी जताई। मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ हानि का बंधक रहा, अब इस देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने भी ट्रिपल तलाक बिल पर सहमति बनने की उम्मीद जताई। पीएम ने कहा कि दल से ऊपर देश होता है। मैं आशा करता हूं और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को विनम्र आग्रह करता हूं, महिलाओं के विशेष करके मुस्लिम महिलाओं के हक की रक्षा करने वाले इस निर्णय को हम सब पारित करें।